नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लूटपाट के बाद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बचाव में कर्मी को भी गोली मार दी गई है, मौत हो गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुधा पार्लर का व्यवसायी काम करता था दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH28 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां लूटपाट के बाद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की खबर है। बचाव में पहुंचे कर्मी को भी गोली मारी गई है, जिसकी मौत हो गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मंटून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मंटून, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है? देखिए, ये वारदात दलसिंह सराय में NH28 पर नवादा के समीप स्थित जो सुधा पार्लर था, वहीं सुधा पार्लर के संचालक सुनील राय की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। और दलसिंह सराय व्यवसाय, इसके कारण जो दलसिंह सराय में जो है व्यवसायियों में काफी इलाके में जो काफी जो मतलब आक्रोश है। और बता दें कि घटना जो है लगभग 1 बजे की घटना है, जहां बल्कि जो जब बैंक में रुपए भेजने के लिए सुनील राय और उनके कर्मी रुपए का जो मिलान कर रहे थे दुकान से, उसी दौरान जो अपराधियों ने गोली मारकर जो है सुनील राय और उसके चालक को जख्मी कर दिया। और जख्मी जो है पप्पू कुमार है, जिसे जो इलाज के पटना रेफर कर दिया गया था, जहां बताया जा रहा है कि उसकी जो है उसकी मौत हो गई है। तो जिसमें अगर इस बीच जो है जिसे जो इलाके में जो है दहशत का माहौल है, दिनदहाड़े लूट और मर्डर की जो घटना पर जो है अब पुलिस सहित एक प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो स्थानीय कारोबारियों में दहशत है, और तो जैसे ही अगर बात की जाए कि यह घटना जो समस्तीपुर में, अगर ये ट्रिपल मर्डर की घटना है, एक दिन में जो है 3 हत्याएं हुई है। एक और बिफान थाना क्षेत्र में जो है जो नाक 10 रुपए के भाड़े को लेकर जो है एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दिया, वही जो है आज अपराधियों ने ठीक जो है दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में जो है लूट के दौरान, लगभग लूट की अगर राशि की बात की जाए तो 10 लाख की लूट की राशि सामने आ रही है। लेकिन अब तक जो है लूट की राशि का जो किसी भी अगर प्रशासनिक रूप से उसे निश्चित राशि नहीं मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल उठ रहा है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम देकर निकल रहा है, पुलिस जो है हाथ से हाथ धरे बैठी हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया मंचून तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश समेत बिहार के 10 नेता शामिल थे। सभी नेताओं ने पीएम मोदी के सामने जातीय जनगणना कराने की मांग रखी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को सुना। इस मामले पर प्रधानमंत्री के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी ने इसे खारिज नहीं किया और हरेक की बात सुनी। तो वहीं तेजस्वी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि यह गरीबों के लिए मददगार साबित होने वाला ऐतिहासिक कदम होगा। अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में, जो सब लोगों की का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, और आकर के आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना। और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। कभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें कही। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने OBC की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात
जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है, और उसी अनुसार 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम मोदी के निर्णय के साथ है। हमारा जो स्टैंड था वो तो लोकसभा में बताया गया है, आज की परिस्थिति कोई नई परिस्थिति तो नहीं बनी है। आज की परिस्थितियों में एक बिहार ने अपना डेलीगेशन भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एनडीए के घटक है और एनडीए के घटक के मुख्यमंत्री के तौर पर वह गए, उनकी अपनी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है, देश तभी बचेगा जब जल्द से जल्द जनसंख्या कानून बनाया जाए। पहले से बिहार की स्थिति को देखते हुए और देश की स्थिति को देखते हुए लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस राज्य में और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। हर काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हर गिनती से पहले ये काम हो, उसके बाद जो भी काम हो, जो भी गिनती करना हो, जो भी विकास का काम हो वो बाद में, सबसे पहले अगर धरती बचाना है, राज्य बचाना है, देश बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। हम लोग इसकी आवाज पहले से बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस बात को। जातीय जनगणना का बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना से समाज में विकृति फैलेगी, जनगणना करानी है तो अमीरी और गरीबी की जनगणना हो। हिंदुस्तान के जमीन पर कोई अर्थ नहीं है, हिंदुस्तान की वैदिक परंपरा वैदिक संस्कृति से लेके और आज तक वसुधैव कुटुंबकम का विचारधारा हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को दिया है और हमारे वैदिक संस्कृति में कर्मों के आधार पर वर्ण का विभाजन था। जातीय आधार का कोई अर्थ नहीं है, जातीय आधार का 1931 में अंग्रेजों ने करवाया था वो देश को बांट करके शासन करने के नियत से। पूर्णिया पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी दिलीप जायसवाल ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात सिर्फ है राजनीतिक दुकानदारी है, 75 सालों में जाति के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर कब तक राजनीति होगी ये कहना मुश्किल है, क्या कुछ कहा है सुनते हैं। ये बहुत बड़ा है, ये सब राजनीतिक दुकानदारी है, जातिगत जनगणना इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इनको सचमुच पिछड़ा से प्यार है तो पहले 75 साल बीत गया आजादी के, अभी तक जो है पिछड़ा बोल रहा है हमको अति पिछड़ा में डालो, अति पिछड़ा बोल रहा है कि हमको शेड्यूल कास्ट में डालो, शेड्यूल कास्ट बोल रहा है कि हमको शेड्यूल ट्राइब में डालो, यानी 75 साल में हमारे यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा बना, अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट बना और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बना। क्या देश में यही विकास हुआ था कांग्रेस के जमाने में? तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार पर। अगर लोग अपने आप को और नीचे जाना चाहते हैं 75 साल बाद तो सरकार पर इससे बड़ा कोई प्रश्नवाचक या तमाचा गाल ये पे नहीं है कि इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पशुपति पारस पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत से वो काफी खुश दिखे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश सिंह ने, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी पटना आए हैं, भव्य स्वागत किया गया। सर, मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूँ और बिहार की जनता ने और खास के कार्यकर्ताओं को जो मैंने उत्साह देखा मैं कभी सोचा भी नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो मैं इस पद पर हूँ इसके लिए खास करके हाजीपुर की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी जवाबदेही मुझको दी गई है मैं पूरी निष्ठा से बिहार की जनता का सेवा करूंगा और निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग विभाग जो है उसमें नॉर्थ बिहार में खास करके हमारे हाजीपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में लीची का खेती होता है, केला का खेती होता है, ये सब खेती है, तो यहाँ हम निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्ट्री लगवाएंगे। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, बड़ा विभाग मिला है सर, आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, क्या कुछ एक्शन प्लान है? लगता है कि बिहार में काफ़ी निश्चित रूप से मैंने अपने सेक्रेटरी को आदेश निर्देश दिया है,
या पूरे बिहार का मैप बनाइए, मैप बना करके हो सकता है कि मैं हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में एक यूनिवर्सिटी भी मैं खोलवा दूँ। लोजपा पे इसे अब लग रहा है कि असली लोजपा आप ही लोग की है, क्योंकि जो ताकत दिख रहा है असली नकली का कहाँ सवाल है, ओरिजिनल लोजपा तो है ही भाई, 6 सांसद हमारे साथ हैं। मान देखिए लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा, लोकसभा के मुखिया आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा ये निर्देश जारी हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ कि 6 सांसद के संसदीय दल के नेता पार्श्वती कुमार पारस जी को बनाया गया, तो फिर लोजपा में फूट कहाँ है? आप कोई अपना अपना डफरी अलग बजाता है तो उसको बजाने दीजिए, उससे पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और जनता के पर कोई असर पड़ने वाला। आएंगे तो फिर आप लोग ले लेंगे, क्यों ले लेंगे भाई, चलिए। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पशुपति पारस अपनी ताकत दिखा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं, तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और तमाम कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है। कैमरा राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। रुके यहाँ एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। समस्तीपुर से खबर, जहां लूटपाट के बाद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, बचाव में पहुंचे कर्मी को भी गोली मारी गई है, उसकी मौत हो गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुधा पार्लर में व्यवसायी काम करता था, दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो कारतूस है वो बरामद हुआ है, साथ ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है, वहीं पुलिस प्रशासन पूरे इस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो दिनों दिन समस्तीपुर में बढ़ती जा रही है, प्रशासन पर सवालिया निशान जो है वो खड़े किए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लूटपाट के बाद व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सबसे पहले सुबह का काउंटर है, दलसिंह सराय की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी जो है वहाँ पहुँचता है और मतलब काउंटर के अंदर घुस के जो सुनील राय काउंटर पर थे उनको गोली मारता है और गोली मार के भागने के क्रम में जब ड्राइवर देखता है जब गोली मार दिया और गोली का आवाज़ हुआ तो जब वो पीछा करता है तो पप्पू नाम का जो ड्राइवर था उसको भी गोली मार देता है और बड़ी बुलंदी से अपराधी भागने में सफल हो जाता। मंटून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मंटून, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, व्यवसायी की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ वहां से और अपडेट है? घटना पर हम बता दें कि दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 की घटना है। नवादा समिति है, सुधा पार्लर है जिसके संचालक सुनील कुमार राय है जो डेंट पैसे ले जाने के दौरान जो है दोनों जो बैंक का उससे जो उद्योगी थे कर्मी थे जिसकी मौत हो गई है, वही जो है पैसे गिन रहे थे इसी दौरान जो है कुछ सवार 2 की संख्या में सवार जो अपराधी आए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया और उसी दौरान जो है सुनील राय की गोली लगाकर हत्या कर दिया गया। वही जो है उसके कर्मी थे उसके बचाव में जैसे ही आए तो कर्मी की जो है गोली मारी, जहाँ जो इलाज के दौरान उसकी जो है मौत हो गई है। तो बता अगर जो हत्या से जो अपराधियों में जो अपराधी हैं हत्या का अंजाम दे रहे हैं, लगातार हत्या की घटनाओं बड़े बड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस जो है मुखदर्शक बनी हुई है जिससे जो हजार कर्मी हैं जो भी व्यवसायी हैं वो कहीं ना कहीं वो आक्रोश में है जिससे पुलिस के जो है पुलिस के पुकार शैली पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज ही की घटना बिथान थाना क्षेत्र में जो है एक नाव 10 रुपए की वजह से जो है एक नाविक की गोली मारकर अपराधियों ने कर दिए। प्राय दिन लगातार अगर समस्तीपुर में अगर पूरे इस महीने की बिल्कुल तो अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं समस्तीपुर में। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंचून। बढ़ते आगे, बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर पंचायत पुस्तक का लोकार्पण बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में किया। इस अवसर पर पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर बिहार की तर्ज पर आत्मनिर्भर पंचायत बनाया जाएगा, पंचायतों में सरकार की योजना का 100% लागू हो इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में पंचायती राज का चुनाव है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे मदद की जाए इसका ध्यान बीजेपी रखेगी। मंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत को इतनी राशि दी है कि अगर 3 पंचायतों का कुल योग बोले तो वह एक विधायक को मिलने वाली राशि के बराबर है
और पांच पंचायतों का योग जोड़े तो एक सांसद को जो किसी समय में पहले राशि मिलती थी अब तो वो भी नहीं मिलती है, उसके बराबर का विकास केवल एक पंचायत में पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि कर सकते हैं। अब हम लोग हाउस होल्ड को तय कर रहे हैं कि थोड़ा सा घर छूट गया, जिस घर को नंदन योजना का काम पूरा नहीं हो पाया, गली नली का काम नहीं पूरा हो पाया, इसका चुनाव के बाद हम लोग सर्वेक्षण कराकर एक एक हाउस होल्ड को तय करेंगे कि पंचायत में एक एक व्यक्ति को नंदन और गली नली योजना का सीधा लाभ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लेकर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं कक्षा में नामांकन तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में जो नामांकन की तारीख है उसको बढ़ाए जाने की उन्होंने मांग की है। ये हम पत्र आपको दिखा रहे हैं जिसमें अपनी मांगे तेजस्वी यादव ने रखी है। तो तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, 11वीं के नामांकन की तारीख बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। नालंदा के गांधी उच्च विद्यालय सिलाव में सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्कूल में मैट्रिक, इंटर का रजिस्ट्रेशन और इंटर का एडमिशन का काम एक साथ चल रहा है, जिसके कारण स्कूल में छात्रों की बड़ी संख्या एक साथ पहुंच गई। कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहां दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। भीड़ होने की सूचना मिलने पर सिलाव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही वापस से भीड़ की स्थिति बन गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को लेकर के स्कूल प्रबंधन जो है वो बेपरवाह नजर आ रहा है। स्कूल में मैट्रिक, इंटर का रजिस्ट्रेशन और इंटर का एडमिशन का काम एक साथ चल रहा है, जिसके कारण स्कूल में छात्रों की बड़ी संख्या एक साथ पहुंच रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जैसा तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। भीड़ होने की सूचना मिलने पर सिलाव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद से जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई। तो नालंदा के गांधी उच्च विद्यालय सिलाव की ये तस्वीर, जहां कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है और देखिए किस तरीके से जो छात्र छात्राएं हैं वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक नजर आ रहे हैं। और साहिल सी बात है कि स्कूल प्रबंधन ने एक ही जो समय है वो निर्धारित कर दिया है कि इंटर में चाहे एडमिशन हो चाहे फॉर्म और इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के एक ही समय निर्धारित किया गया है, लिहाजा काफ़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो इस मौके पर पहुंच रहे हैं, लिहाजा भीड़ काफ़ी बढ़ जा रही है और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ रही हैं। बढ़ता के खगड़िया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ बाराशिविर में रही काजल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बच्चा और जच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं। खुशी की यह खबर जैसे ही आसपास के इलाके में फैली, नवजात की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष राहत शिविर पहुंचे और अपनी मौजूदगी में नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाया। अलग अलग रंगों के बैलून और चमकीले झालर से शिविर को सजाया गया। डीएम ने सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 10,000 का चेक और नूतन वस्त्र जच्चा को सौंपा। दरअसल परबत्ता प्रखंड के कोरचक्का गांव समेत कई गांव इन दिनों बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। बाढ़ पीड़ित अलग अलग राहत केंद्रों पर शरण लिए हुए हैं। नवजात शिशु की मां काजल कुमारी भी पिछले कई दिनों से कोरचक्का गांव के राहत शिविर में रह रही है। गंगा नदी के अंदर अवस्थित गांव है, वहाँ के लोग यहाँ पर आके रुके हुए थे। इसी में ही इस दुखद बेला के समय सुखद समाचार भी हम लोग को प्राप्त हुए और चक्का स्थित राहत शिविर में काजल कुमारी नामक महिला का उनको प्रसव पीड़ा हुई और उनको निकटवर्ती PHC परबत्ता ले जाया गया, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के माध्यम से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया है, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि राहत शिविर में यदि किसी पुत्र या पुत्री के जन्म होता तो वैसे स्थिति में पुत्री के लिए 15,000 रुपये और यदि पुत्र की प्राप्ति हो तो 10,000 रुपये का प्रावधान रख।
गोपालगंज में एक बार फिर कशिश न्यूज की खबर का असर हुआ है। मीरगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में बने अवस्थित जल मीनार पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद के अधिकारी हरकत में आए हैं। मीरगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 5 में बने जल मीनार के कैंपस में गत कई सालों से कूड़ा फेंकने और कूड़ा डंप करने के लिए प्रयोग किया जाता था और जिसकी वजह से उसके आसपास रहने वाले दलित बस्ती के लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। कशिश न्यूज द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर नगर परिषद मीरगंज के द्वारा उस जगह को सफाई कर्मियों को लगाकर पूरी तरह से साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काम अच्छा हो रहा है, जो भी है सफाई होने से भी सारा साफ सुआ भी काम लगाया हुआ है। सफाई होने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा, इसलिए कचरा था यहाँ पे, लोग रह नहीं पा रहे थे, लोग बैठ नहीं पा रहे थे, अब तो सबके लिए अच्छा हो रहा है। आज सफाई कर्मचारी भी जुटे हुए हैं साहब के लेकर, सब भी लोग कर रहे हैं। अभी देखिए काम ही लगा, इसमें करोड़ों का लागत से कचरा था ये सब, नहीं इसमें सप्लाई था नहीं कुछ है, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे चालू हुआ? आप जो कशिश न्यूज का बहुत धन्यवाद है कि वो पहुंचे। और ये जमुई पुलिस ने रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से विस्फोटक, डेटोनेटर, तार और मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम भैरव यादव उर्फ गेहुमन और सुनील यादव बताया जा रहा है। इन लोगों पर पहले भी रंगदारी मांगने और छिनतई करने का आरोप लगा है। एसपी प्रमोद कुमार मंचल ने बताया कि बीते माह नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, उसी दौरान एक अपराधी ने जमुई झाझा रेल मार्ग पर चौरा रेलवे हॉल्ट पर जाकर स्टेशन मास्टर को स्टेशन उड़ा देने की धमकी दी थी और परिचालन बंद करने को कहा था। धमकी मिलने के बाद स्टेशन मास्टर वरीय अधिकारियों को सूचना देकर रेल परिचालन को बंद करवा दिया, जिसके कारण घंटों रेल आवागमन बंद रहा था। स्टेशन को उड़ाएंगे, वो तो भी मेरा ही आदमी है, तो हम उड़ाए नहीं थे लेकिन धमकी दे के चल आए थे। कौन बोला था तुमको उड़ाने के लिए? ये सुनील यादव। सुनील यादव को कौन बोला था उड़ाने के लिए? ये सब पता नहीं हमको, नहीं पता। एक तो रोड से 10 लाख रुपए लेवी मांगने में जेल जा चुके हैं जो कि हनुमान जी हैं, और दूसरे का भी इतिहास बिल्कुल खंगाल है। किसकी दस्ती में काम कर रहा था? सुरंग यादव। सुरंग यादव जो जेल में है उसी के साथ। समस्तीपुर जिले के बेथान थाना क्षेत्र के बनबौरा गांव में नाव के किराए के नाम पर मात्र 10 रुपए वसूलने के विवाद में नाव चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को सोमवार की सुबह उस समय गोली मारी गई जब वो अपने घर के समीप सड़क किनारे खड़ा था। मृतक युवक की पहचान बनभौरा गांव निवासी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सिकिल यादव इन दिनों नाव चलाता था, वहीं लोगों से किराया लेकर नदी पार कराता था। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और इस बीच बड़ी खबर, जहां हाजीपुर में पशुपति पारस का विरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री पर असामाजिक तत्वों ने मोबाइल फेंका है, कई कार्यकर्ताओं का कपड़ा खराब हो गया है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से पहली बार बिहार आगमन हुआ है पशुपति पारस का, और जब वो हाजीपुर पहुंचे हैं उनका विरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री पर असामाजिक तत्वों ने मोबाइल फेंका है, कई कार्यकर्ताओं का कपड़ा खराब हुआ है। पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, पशुपति कुमार पारस की कोशिश थी कि जाकर के लोगों से संवाद करें, लेकिन वहां पर विरोध देखने को मिला है। कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके की जो विरोध है वो जताई है? देखिए, ये चौरसिया चौक के पास की घटना है, जब पारस जी का काफिला चौरसिया चौक से गुजर रहा था, मतलब सभा स्थल अभिनंदन सभा स्थल से कुछ दूरी पर इनका काफिला गांधी सेतु हाईवे पे था चौरसिया चौक के पास, उसी जगह विरोध में इनके काफिले पे जरा हुआ मोबिल फेंका गया, जिसके वजह से कई गाड़ियों पर मोबिल का छींटा आया। साथ ही जो बाइक सवार कार्यकर्ता रैली में शामिल थे वो लोग भी, उन लोगों के कपड़ा पर भी मोबिल पड़ा है। तो विरोध का एक नया रूप यहाँ देखने को मिला। पशुपति कुमार पारस को लोगों ने विरोध किया है, यहाँ पे उनके काफिले पर मोबिल फेंका गया है। हालांकि पशुपति कुमार पारस के शरीर पर मोबिल नहीं लगा, लेकिन उनके आसपास में जो गाड़ी थे काफिला में शामिल उस गाड़ी पर छिटा पड़ा है, यहाँ विरोध देखने को मिला है। साथ ही मंच पे बैठने और चढ़ने के लेकर भी यहाँ पे विरोध देखने को मिल रहा है। आक्रोश है कि मंच पर हम चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे, यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आदित्य विजन के 66वां शोरूम का उद्घाटन पटना के मछुआ टोली में किया गया। उद्घाटन आदित्य विजन के डायरेक्टर निशांत प्रभाकर, मैनेजर ब्रजेश कुमार ने किया। वहीं इस आदित्य विजन के नए शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान मिलेंगे, साथ ही इस शोरूम से खरीदारी करने पर ग्राहकों को हर प्रोडक्ट पर छूट मिलेगी, साथ ही 0
फीसदी फाइनेंस पर भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। आदित्य विजन के डायरेक्टर निशांत प्रभाकर ने कहा कि आदित्य विजन पर लोगों का विश्वास है, इसलिए हम सभी ग्राहकों के लिए समय समय पर उपहार के साथ साथ अन्य छूट भी देते हैं। मैनेजर ब्रजेश कुमार ने भी सभी ग्राहकों से खरीदारी करने के साथ ही एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर सहित तमाम सामानों पर भी छूट देने का आश्वासन दिया है। जन का 66वां शोरूम का उद्घाटन समारोह है। ये पटना के उस भाग में लोकेटेड है जहां पे ग्राहकों को आज तक एक अच्छा रिटेल का अनुभव नहीं हुआ। मैं एक अच्छे रिटेल से बोलना चाहता हूं, अच्छे ऑफर्स, अच्छा कीमत, बेस्ट रेंज, अच्छा सलाह, हाँ, इन सारे चीज़ों से हमारे ग्राहक इस एरिया के अभी तक मीन्स अछूते थे, जो इस स्टोर के द्वारा ग्राहकों को बेस्ट ऑफर, करोड़ों का इनाम जीतना बाई एंड विन के द्वारा, साथ ही साथ सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रखेंगे का जो आदित्य विजन का मुहिम है, उसके तहत ग्राहकों को ये बताना कि इस महामारी के काल में भी आदित्य विजन के हर कर्मी वैक्सीनेटेड हैं और वो क्या नाम है, आप इस एक सुरक्षित माहौल में आके आप मतलब बेफिक्र होकर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि जो लोग नहीं करते हैं बाई एंड विन, बाई एंड विन में जो हमारे जो करोड़ों के इनाम से हैं ये कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरे इंडिया में भी नहीं मिलेगा। अभी बिहार में हम लोगों ने ये पहला ये स्टार्ट किया 2013 से स्टार्ट किया, जिससे कि ये बहुत बड़ा अच्छा मुहिम चला, जो लोग ग्राहकों को बहुत संतुष्ट हैं, जिनको सपनों का घर और बाइक्स कारें। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।